उदयपुर शहर में वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुधवार को काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिछले कई वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्षरत वकीलों ने कोर्ट परिसर से मौन जुलूस के रूप में डेलीगेट होते हुए जिला कलेक्ट्री पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिछले कई सालों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों की ओर से संघर्ष किया जा रहा है। बुधवार को एक बार फिर आंदोलन शुरू किया गया। इसी को लेकर कोर्ट परिसर से मौन जुलूस के रूप में दिल्ली गेट होते हुए जिला कलेक्टर पहुंचे और हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मैं राकेश मोगरा एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। आज हिंदुस्तान के सबसे पुराने आंदोलन जो 43 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन उदयपुर में चल रहा है, उसके तहत आज कोर्ट चौराहे से कलेक्टर होते हुए दिल्ली गेट से वापस कोर्ट चौराहे तक मौन जुलूस निकाला गया है। और इस मौन जुलूस के माध्यम से राज्य सरकार को ये चेता रहे हैं कि ये अभी जो शांति है, ये आने वाले समय की क्रांति है। यदि हमारी मांग को नहीं माना गया, इसी के तहत आज मौन जुलूस निकाला गया। हमारा जो आज मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया था, उसमें भी हाईकोर्ट बेंच के लिए लिखा है। और जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं देते हैं, तब तक जैसे कि उड़ीसा में 19 जिलों में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच चल रही है, 19 जिलों में, यानी कि हाईकोर्ट पूरे 19 ही जिलों से जुड़ी हुई है वर्चुअल, तो उसी तर्ज पे राजस्थान में क्यों ना वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 7,000 करोड़ का बजट इस वर्चुअल के लिए लाया है, तो हमने राज्य सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द राज्य सर्किट बेंच लाए। और जब तक सर्किट बेंच नहीं आ जाती है, तब तक इमीडिएटली वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में की जाए। जय हिंद, जय भारत। जनता को न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। कानून बनाने के लिए संसद है, कानून बनाने के लिए विधानसभाएँ हैं। आप नए नए कानून बना रहे हो और आप डिसेंट्रलाइजेशन भी कर रहे हो। उदयपुर ज़िले में से खैरवाड़ा अलग कर दिया आपने, सलूम्बर अलग कर दिया, मावली में अलग डीजे कोर्ट हो गया, भिंडर में अलग डीजे कोर्ट हो गया। तो उदयपुर ज़िले में केवल कोटला, झाड़ोल, गोगुंदा ये रह गया और उदयपुर रह गया। तो आपने जब यहाँ, और एक ज़माने में उदयपुर ज़िले में भीम तक का इलाका, डूंगरपुर तक का इलाका, बांसवाड़ा तक का इलाका था। हमने कभी खिलाफत नहीं की कि साहब ये नहीं होना चाहिए। आज तक कभी भी आपके सामने आए हों कि साहब वहाँ डीजे कोर्ट क्यों खोल दिया, मावली में, भिंडर में क्यों खोल दिया। न्याय सबको मिलना चाहिए, तो हम इसको विश्वास, इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। पर यही सिद्धांत जोधपुर से उच्च न्यायालय लाने में क्यों, क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं? जब आप डिसेंट्रलाइजेशन जिला स्तर पर कर रहे हो, तो ऊपर के स्तर पर भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए साथियों, क्योंकि अब जनता यहाँ तक भर गई है, लोग यहाँ तक भर गए, लोगों का वहाँ जाना संभव नहीं है। और संभव से भी बड़ी बात यह है कि वहाँ जो वकील है उनका रिश्ता नहीं है, यहाँ जो आते हैं उनका हमारा रिश्ता है। हमें पता है उसकी जेब में कितना पैसा है, कितना दे सकता है। वहाँ जाने पर वो कहेगा इतना पैसा ला, नहीं तो चला जा। क्या कारण है सर? सरकार का दिमाग में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ताकत बना करके अपनी पूरी पुरजोर ताकत से ये कहे कि साहब हम तो आपकी सरकार में शामिल ही नहीं होंगे जब तक यहाँ पर ये नहीं होता। भाई कई राज्य बने हमारे आंदोलन के बाद, इस देश के अंदर अलग राज्यों की मांग बनी, अलग राज्य बन गए। झारखंड अलग राज्य बन गया, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया, अभी तेलंगाना अलग राज्य बन गया। हमारे बाद में आंदोलन शुरू हुए वो, पर हमारी बात, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि कमज़ोर हैं, उनमें दम नहीं, क्या पता नहीं क्या खाते हैं, केवल मक्की खाने से तो पता नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ है, कौन सा पानी पीते हैं कि यहाँ जाते ही, उदयपुर जयपुर जाते ही उनकी सारी शक्ति कम हो जाती है। यहाँ शहर कितने दहाड़ेंगे और जयपुर जाते हैं उनकी सबकी दहाड़ खत्म हो जाती है। आगामी विधानसभा चुनाव में हम पुरजोर तरीके से जो हमारे साथ में खुल करके समर्थन में आएगा, हम पहले कहते हैं, पहले खुल करके, पहले दोनों ही पार्टियों ने खुल करके समर्थन किया है, हम ये नहीं कहते हैं। पर ये वादा लेंगे हम उनसे कि हम न केवल उदयपुर में, जयपुर में और दिल्ली में भी आपकी बात उठाएंगे, उन्हीं को हम सब कोशिश करेंगे उनको उनका समर्थन करें, जनता तक उनकी बात पहुँचाएं। थैंक यू।